नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है झांसी के थाना मौरानीपुर अंतर्गत कस्बा रानीपुर में एक किशोरी से दो युवक ने छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए एवं चिल्लाने पर मारपीट शुरू कर दी। साथ ही साथ पीड़ित किशोरी की मां रामदेवी पत्नी जमुना प्रसाद कुशवाहा ने रानीपुर चौकी पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया, हमारी नाबालिग लड़की जब हमारे मकान के बगल में लगे पेड़ से कोस तोड़ रही थी, उसी बीच आरोपी हमारे जेठ के दो पुत्र आए एवं छेड़खानी करते हुए हमारी पुत्री के कपड़े फाड़ दिए। पुत्री के चिल्लाने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। उसके पश्चात लोगों के आ जाने पर आरोपी भाग गए। साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आरोपियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। दोबारा मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? सर, ये हमें मतलब दो साल पहले उठाने की धमकी दे दिए थे। ये एप्लीकेशन हुए और अभी एप्लीकेशन दी हमारे घर में घुस के, मतलब बाहर हमें कपड़े फाड़ दिए, पैसे तोड़ रहे थे तो, और हमारे साथ मारपीट की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी है। किन लोगों ने आपके साथ ये घटना की है? ये हमारे बड़े चाचा के लड़का है। क्या नाम है उनकी? उनके बड़े लड़के का नाम धर्मेंद्र, छोटे वाले का अमित है, छोटी छोटी कहते हैं। तो ये आपके साथ हरकत कब से कर रहे हैं? कई दो साल, एक साल हो चुका है। अच्छा, तो पहले भी ये घटना कर चुके हैं? हाँ, आप आने की धमकी देते हैं। किस बात पे होती है आपकी लड़ाई? स्कूल नहीं जा पाती है हमारी लड़की, पता ना हम कर ही रहे हैं, इसलिए स्कूल जाती है ना तो धमकी देते हैं लड़कियों को। आपकी बात है, आपके पति कहाँ हैं? पति भी मार रहे थे ना घर पे। बुरी मजा बुरी नीयत से पकड़ा हमारी लड़की को। तो और क्या क्या हुआ आपके साथ? मैं कपड़े फाटी, हमारे साथ मारपीट की हमारी। तो आपने चौकी में लिखित दे दी है? हाँ दे दी। कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है? एक तो पकड़ लिया, दूसरा अभी पकड़ा नहीं उनने। दूसरा पकड़ा नहीं है तो पकड़ा भी नहीं। तो ये दो लोग आते हैं हमेशा? हाँ। तो रहता है साथ में? नहीं, और कोई नहीं रहता साथ में। रहने वाली कहाँ है आप? देवरी, रानीपुर। जो कह रहे हैं हमारी दो लड़कियां, एक लड़का है, और उनको मारने की धमकी देते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो आप मजदूरी के लिए घर से बाहर नहीं जा पाते हैं? अब काय को जा पाते हैं, लड़कियां के पीछे नहीं जा पाते हैं, धमकी देते हैं उठाने की, मारने की। पिता भी है, आपको डर बना रहता है? डर बना रहता है, जी नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो आपने शिकायत की है? हाँ, शिकायत कही थी पिछले साल भी। तो शिकायत का कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ था पिछले साल। आपका एक लड़का है, दो लड़के हैं? दो लड़के, एक लड़का। आपको डर लगा रहता है ऐसा? नहीं, पता नहीं कहाँ मार देंगे हमारे घर पे।